हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है तो कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो इस वीडियो में मैं आगे बताने जा रही हूँ, इससे आपको अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी प्रॉब्लम अपने इस 9 मंथ में फेस करनी पड़ेगी। और साथ ही अगर ये दिक्कतें आपको हो गई तो आपकी डिलीवरी की जो डेट है वो डॉक्टर आगे बढ़ा देंगे, आपकी डिलीवरी करने से मना कर देंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। तो पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका 9 मंथ है या अभी लगने वाला है, तो आपको जो पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे नहीं रहना है, एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। कई बार क्या होता है कि हम टहलते टहलते फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा, आधे आधे घंटे बीत जा रहे हैं। जब हम फ़ोन रख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे कमर में दर्द हो गया, हमारे पैरों में दर्द हो गया, हमने इतना टहल लिया। कई बार होता है कि कोई पड़ोसी आ गया, उससे बात करने खड़े हो गए, खड़े खड़े बात कर रहे हैं तो कमर में दर्द, पैरों में दर्द शुरू हो गया, थकान होनी शुरू हो गई। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम उस टाइम पे माइंड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें शारीरिक दिक्कतें देती हैं, परेशानियां देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत देर तक एक ही पोजीशन बैठे रहना, कि आप एक ही पोजीशन बैठ के बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, या बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है 9 मंथ में। दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर बेबी फुली डेवलप हो चुका होता है, हमारे पेट का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो हमको चलने फिरने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सोते हैं, लेट जाए, थोड़ा थोड़ा काम करके थकान भी लग जाती है, वो बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरा प्रेशर पैरों पर ही आता है। अभी जस्ट 3 मंथ पहले मेरी भी डिलीवरी हुई, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं दोबारा फेस करके आ चुकी हूँ, तो आई नो कि ये सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम परेशान करती है वो 9 मंथ में ही परेशान करती है। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लेट जाना, तो इसलिए जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, उसके बाद कम से कम, नहीं आप ज़्यादा वॉक कर सकते तो एटलीस्ट 10 मिनट वॉक करने के बाद आप लेटिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ तो ध्यान रखनी है जो आपको, कि रात में सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में आप एक गिलास पानी पिएंगे तो भी आपको 4 बार वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, दिन भर का ये काम होता है, हर 10-15 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन रात में अगर आप पानी ज़्यादा लेते हैं तो उसके बाद आपको पूरी रात सोना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए शाम को 7 बजे के बाद से लिक्विड लेना कम कर दीजिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए। दूध वगैरह जो आप लेते हैं रात में, उसको आप रात में 7 से 8 के बीच में ले लीजिए, तो आपको रात में जो आपका सोने का टाइम है वो सेफ हो जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इस बात का बेहद खास ख्याल रखिएगा, वरना सबसे जो बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि रात में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं, हमें वॉशरूम के चक्कर काटने पड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी कि ये जो 9 मंथ है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है अपने वेट गेन के लिए भी, मतलब माँ के वेट गेन के लिए भी और बच्चे के वेट गेन के लिए भी। अगर अभी कुछ वज़न बढ़ना रह गया है, बेबी का पूरा वज़न नहीं बढ़ पाया है और आप 9 मंथ में आ गए, तो इस सिर्फ इस 1 महीने में आप अपना 2 से 2.5 किलो तक वज़न बढ़ा सकते हो, और बेबी का भी 1 से 1.5 किलो तक वज़न सिर्फ इसी महीने में बढ़ सकता है। बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, तो अपनी डाइट को जितना ज़्यादा आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं इस 1 मंथ में कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया था तो। इस 1 मंथ में अगर आप अपनी डाइट को ज़्यादा ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं, अच्छी से अच्छी डाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अभी तक आपने अगर नहीं लिए थे तो आप इस मंथ में ले सकते हैं, खजूर वगैरह अगर अभी तक आप नहीं खा रहे थे तो इस मंथ में आप ले सकते हैं, ओट्स वगैरह लेना शुरू करिए, केला है, बनाना है, बिल्कुल सेफ होता है, उससे भी अच्छा वेट गेन होता है। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करिए, इससे आपका हेल्दी वेट गेन होगा और बच्चे का भी 1 से 1.5 किलो तक वजन सिर्फ इस 1 महीने में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो ध्यान रखनी है कि अगर अभी तक आप कोई वॉक एक्सरसाइज आपने नहीं की है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आप सिर्फ इस 1 महीने में वॉक है, एक्सरसाइज है, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करते हैं या सिंपली वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं भी करते तो इट्स ओके, अगर आप सिंपली वॉक भी कर रहे हैं 10 से 15 मिनट डेली आप टहलते हैं तो भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये खास मंथ होता है कि अगर अभी तक आप एक्सरसाइज वॉक नहीं कर पाए हैं तो इस 1 महीने में करते हैं तो आपके काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो ध्यान रखनी है इस महीने में, कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होना चाहिए आपकी डिलीवरी से पहले,
क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, आपको कफ बन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपकी डिलीवरी करने से मना कर देंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो भी आपके सर्विस में स्टिचेस लगेंगे, अगर आपकी सिजेरियन हो रही है तो ऑफकोर्स 14-15 टांके तो लगेंगे ही। अब डिलीवरी के बाद अगर आपको खांसी आएगी तो आप खांस भी नहीं पाओगे, खांसोगे तो उसका जो टांकों पे पड़ेगा, टांके फट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर मना कर देते हैं, डेट आगे बढ़ा देते हैं कि हम डिलीवरी अभी नहीं करेंगे, जब आपकी खांसी जुकाम सही हो जाएगा तब डिलीवरी करेंगे। तो मेक श्योर कि आपकी डिलीवरी से 10 से 15 दिन पहले अपनी डाइट को इस तरह से बना के रखिए, अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बना के रखिए कि आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होना चाहिए। सीजन चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, खांसी जुकाम कभी भी हो सकता है गर्भवती महिला को। तो इसलिए अपनी डाइट को ऐसा रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ मत ट्राई करिएगा नई चीज़ जिसकी वजह से आपको जुकाम हो जाए, और अपनी बॉडी को कवर करके रखिएगा। वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत गर्मी लगती है, तो अगर सर्दियों का सीज़न है तो बॉडी को फुली कवर करके रखिए, और गर्मियों का सीज़न है तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए। कोई भी नई चीज़ मत ट्राई करिएगा जिसकी वजह से आपको कोल्ड हो सके, और ऐसे वो कोई भी काम मत करिएगा जो कि सर्दी खांसी जुकाम करे। ऐसे किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में मत रहिएगा जिसको ऑलरेडी वायरल फीवर हो, वायरल हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहिएगा। इस बात का बेहद खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे एक व्यूअर का भी ऐसे ही कमेंट आया था कि उनकी खांसी बहुत ज़्यादा थी तो डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी सिर्फ इसी वजह से। नेक्स्ट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा इस महीने में ध्यान रखनी है कि बहुत जो लोग कहते हैं कि नहीं झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट मत करिए कि आप बैठ के पोछा लगा रहे हैं। अगर आपसे नहीं भी लगाया जा रहा है तो भी आप बैठ के पोछा लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप वॉक कर लीजिए, हल्के फुल्के बटरफ्लाई आसन है आप इसको कर सकते हैं, बेहद हेल्पफुल होता है, वॉक कर सकते हैं। ये ज़बरदस्ती के काम की मुझे पोछा लगाऊंगी तभी मैं नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है पूरे 9 मंथ तो अभी भी मत करिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो है निगेटिव इफेक्ट डालती हैं प्रेगनेंट महिला पर और बच्चे पर भी। तो अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो तब भी कर रहे हो, तो ये गलत काम आप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये कुछ ऐसे ज़रूरी बातें हैं जिसका ध्यान आपको 9 मंथ में रखना है। जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं वो बिल्कुल रखिएगा, जो आपसे जुड़ी बताई हैं, जो आपके बच्चे से रिलेटेड बताई, इन बातों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो ये 9 मंथ आपका अच्छे से निकल जाएगा और आपकी एक सेफ़ और हेल्दी डिलीवरी होगी। होप सो कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगोगे। ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, आपके शेयर से किसी और की भी हेल्प हो सकती है। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में नई और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।